प्रोफेसर अरुण कुमार जी, हु इज ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ए रिनोन्ड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हु हैज डन एक्सटेंसिव रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस and has number of publication to his credit, and he want to be the part of this kranti, I will say in a great way. May I request all of you to put your hands together in welcoming Professor Arun Kumar ji by a big round of applause. And we are having the presence of our honorable leaders of the profession, C. Rajesh Sharma ji, past chairman of NIRC, who is very active in other activities also, you know it very well. C. R. S. Bansal ji, the NIRC member. C. Hari Sagwal ji, past chairman of NIRC. May I request all of you to put your hands together in welcoming all our leaders present here. And I think other leaders are also here. So, may I request Professor Arun Kumar ji to please join us. Thank you very much for inviting me to come here and speak in your midst. I'd like to, you know, mention the fellow panelists and the distinguished audience here. You know, this question of the black economy and the simplification of taxes are two interrelated subjects, and I'd like to connect the two together. That will perhaps lead to the kind of simplification that has been proposed in this audience. So the first question that arises is, why study the black economy at all? And the reason is that today it is more than 50% of GDP, generating about 55 lakh crores of rupees every year. This is not a stock figure. It's not as if this is the accumulated wealth over the last 60 years. It is what is generated every year. Aaj ye kale dhan ki arthavyavastha 55% hai GDP ka, yani ki 55 lakh crore rupiah is samay har saal generate hota hai kale dhan ka. और उसमें से महज 10% देश से बाहर जाता है, करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए, ये मेरा अनुमान है। और उसमें से भी राउंड ट्रिपिंग के द्वारा थोड़ा सा वापस आता है, लेकिन हम लोग आजकल एक टैक्स हेवन पे स्टडी कर रहे हैं जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है, वो ग्लोबल स्टडी है। उसमें हमारा अनुमान है कि करीब करीब 2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर देश का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो बाहर पैसा गया हुआ है, यानी कि एक बहुत गरीब देश बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल बाहर ले जा रहा है, और इसकी वजह से कैपिटल की शॉर्टेज है देश में, जिसकी वजह से हमको कंसेशन देना पड़ता है बाहर से कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, और जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। तो आज जो काले धन की अर्थव्यवस्था, इसका असर ये हुआ है कि देश में एक मूड फॉर चेंज है कि बदलाव चाहिए, खासकर जो यूथ है, और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में यहां पे यूथ है, और उसमें एक मूड फॉर चेंज है, जिसकी वजह से पिछले 3-4 साल से बड़े बड़े मूवमेंट्स चल रहे हैं देश में। जो आदर्श सोसाइटी स्कैम आया, मैंने देखा तब से ये मूवमेंट तेज हो गया, क्योंकि उसमें देखा कि आज किसी की कोई आस्था नहीं रह गई है देश में, चाहे वो हमारा आर्मी का फॉर्मर जनरल हो, चाहे वो वाइस एडमिरल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े बड़े पदाधिकारी हो, सबने कहीं ना कहीं एक छोटे फ्लैट को लेने के लिए अपनी अस्मिता को बेच दिया। तो यानी कि कुल मिला के आज स्थिति काफी गंभीर है, और इसका असर सारे देश पे है, और इसी के चलते हुए हमको कुछ करेक्टिव एक्शंस के बारे में सोचना है, और करेक्टिव एक्शंस के तहत ये बात चल रही है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स हो। तो मेरा सबसे पहले जो कहना है इसके बारे में, कि हम लोग जो अंग्रेजी में कहावत है 7 blind men and the elephant, यानी कि 7 जो अंधे व्यक्ति हैं एक हाथी को देख रहे हैं, तो कोई उसकी पूंछ छूता है तो कहता है तो झाड़ू है, कोई उसका पैर छूता है तो कहता है तो एक बिल्डिंग का खंभा है। तो यानी कि एक तो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम झाड़ू की, दूसरी सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम बिल्डिंग की, पर कोई भी हाथी की समस्या नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि वो ये हाथी को देख ही नहीं पा रहा है। तो हमें भी इसीलिए अगर समस्या का समाधान ढूंढना है तो हमें कॉज समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण अगर सही नहीं होगा तो हम चाहे कुछ भी करते रहे वो हमें सही दिशा में नहीं ले जाएगा। जैसे कि अगर हमारा कंपस नॉर्थ की जगह ईस्ट में पॉइंट कर रहा है तो हम उत्तर की दिशा में तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, हम हरदम पूर्व की दिशा में जाएंगे चाहे कितनी एक्टिविटी कर लें। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये इसका पीछे कारण क्या है। फिर
ये इसके लिए मैं थोड़ी बैकग्राउंड दूंगा कि काले धन की अर्थव्यवस्था अगर जैसे स्वीडन है वहां पे 2%, 3% है, जर्मनी में 4% है, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में 5% है, तो वहां पे तो हम इग्नोर कर सकते हैं, काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत मामूली है, उसको इग्नोर कर दे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। पर जहां हमारे देश में 50% से ऊपर है और 55 लाख करोड़ रुपया इस साल जनरेट होगा काले धन की अर्थव्यवस्था में, तो यहां पे बहुत बड़ा असर है। तो इसके क्या क्या असर है मैं थोड़ी सी उसकी व्याख्यान करके फिर मैं आगे चलता हूं। तो सबसे पहले तो यह है कि इसकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है अर्थव्यवस्था का वो कम हो गया है। वजह क्या है कि इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी कम है हमारे देश में। जो काले धन की अर्थव्यवस्था है उसका एक कैरेक्टराइजेशन है कि इट इज लाइक डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स। तो डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स का मतलब है कि आपने दिन में गड्ढा एक व्यक्ति से खुदवाया और रात को भरवा दिया उस गड्ढे को, तो अगले दिन क्या हुआ, दो व्यक्तियों को तो आय मिल गई लेकिन प्रोडक्शन जीरो है। तो यानी एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी। तो बहुत बड़ी तादाद में जो काले धन की अर्थव्यवस्था है उसमें जो एक्टिविटीज हैं उसमें एक्टिविटी होती है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। लोग जाते हैं कोर्ट कचहरी में, भीड़ लगी रहती है, हर केस में 5 लोग इधर से 5 लोग उधर से, और एक वकील कह देगा जी वो हमारा तो जो सीनियर है वो तो कहीं अलीगढ़ गया हुआ है, तो आज की डेट 3 महीने बाद की, 10 लोग आए काम कुछ नहीं हुआ। लोग दफ्तर में जाते हैं, वहां पे बाबू को पैसा बनाना है तो बाबू क्या करेगा, काम नहीं करेगा, ढील डाल देगा, बाहर भीड़ लगी हुई है, काम नहीं हो रहा है। तो यानी कि इस तरह से मैं उदाहरण बहुत सारे दे सकता हूं कि इट इज लाइक डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स। तो एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी, और इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है हमारे देश में, और इन्वेस्टमेंट की जहां प्रोडक्टिविटी कम होती है तो इन्वेस्टमेंट सार्थक नहीं हो पाता है, और इन्वेस्टमेंट सार्थक नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाती है। और मेरे अनुमान से 1975 के बाद देश की जो अर्थव्यवस्था की जो बढ़त है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो 5% काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए कम हो गई। अगर आप 5% 1975 से जोड़ना शुरू कर दें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था जो 1.8 ट्रिलियन डॉलर की है वो कम से कम 11 ट्रिलियन डॉलर की होती। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था चाइना से भी दुगनी बड़ी होती और अमेरिका से थोड़ी कम होती। दुनिया की आज सबसे बड़ी ताकतों में हम दूसरे नंबर पे होते अमेरिका के बाद। और जिस तरह से जब उस समय 1975 में हमारी एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ 3.75% थी तो 8.75 होती, आज जब हमारी एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ 7.5 है तो हम 12.5% पे बढ़ रहे होते। और जो पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में हम लोग नीचे से तीसरे जो देश हैं वो हैं। अगर ये अर्थव्यवस्था काले धन की ना होती और हमारा जो जीडीपी है वो 12 ट्रिलियन के करीब होता तो हमारी पर कैपिटा इनकम $11,000 होती, ना कि $1,500 होती। तो हम सबसे गरीब देशों की संख्या में ना आके मिडिल इनकम कंट्री में होते। तो यानी कि काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए बहुत बड़ा असर पड़ा है, हमारा डेवलपमेंट रुक गया। और ये आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया में तो हुआ 30-40 साल, वहां पे 8%, 9%, 10% की ग्रोथ हुई, चीन में हुई, साउथ कोरिया में हुई। और साउथ कोरिया और चीन और हम 1947 में सब एक लेवल पे थे पर कैपिटा के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म्स में, हेल्थ के टर्म्स में, लेकिन वो आगे चले गए, हम बहुत पिछड़ गए उनके कंपैरिजन में। और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है ये काले धन की अर्थव्यवस्था का असर डालना। तो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत बड़ा असर है, कैपिटल लीक कर जाता है, कैपिटल बाहर इन्वेस्ट होता है तो बाहर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रोडक्शन बाहर जनरेट करता है ना कि यहां करता है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में जिसमें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा फिस्कल डेफिसिट अगर 50% है तो यानी 20% टैक्स जीडीपी रेशियो अतिरिक्त आ सकता था, आज जो 15% टैक्स जीडीपी रेशियो है वो 35% हो सकता था। शिक्षा के क्षेत्र में हम 4% टैक्स जीडीपी रेशियो से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, 4 की जगह हम 6 या 10 भी दे सकते थे। मलेशिया ने अपनी सारी पॉपुलेशन को एजुकेट करने के लिए 10% जीडीपी का खर्च किया एजुकेशन पे, और इस तरह से उन्होंने लिटरेसी की। और जो गोल था कि 1965 तक सारे बच्चे स्कूलों में होंगे, हमारे देश में आज भी नहीं है, लेकिन चीन में, मलेशिया में, साउथ कोरिया में, वहां पे ये सब उन्होंने 1965 तक अचीव कर लिया, और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बेतहाशा बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उनकी ग्रोथ बढ़ी। और ये उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस है जो हम लोग न्यू एशियन टाइगर्स की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारा डेवलपमेंट ब्लैक इकोनॉमी की वजह से मिस आउट हो गया है। अगर काले धन की अर्थव्यवस्था को रोकेंगे तो डेवलपमेंट तेज होगा, रेट ऑफ ग्रोथ और तेज होगी, तरक्की और ज्यादा होगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको करें। दूसरा जो कैरेक्टराइजेशन है काले धन की अर्थव्यवस्था का कि यूजुअल इज द अनयूजुअल एंड अनयूजुअल इज द यूजुअल, यानी कि जो होना चाहिए वो नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए वो होता है, और हताशा फैल जाती है।
बिजली 220 वोल्ट मिलनी चाहिए, 170 मिलेगी या 270 मिलेगी, आपका इक्विपमेंट जल जाएगा। हर एक चीज के साथ एक्स्ट्रा वोल्टेज स्टेबलाइजर या एक्स्ट्रा सर्किट चाहिए तो कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाते हैं। पानी साफ मिलना चाहिए, लेकिन आज हम सब बोतल लेके चलते हैं। आज से 15 साल पहले लोग कहते थे कि जो बोतल लेके चलता था कि भाई इसका तो हाजमा ही खराब है क्योंकि ये तो पानी नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, पर लेकिन आज हमारा सबका हाजमा खराब हो गया क्योंकि पानी साफ आता ही नहीं है। तो कुल मिला के जो होना चाहिए वो नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए वो होता है, और हताशा फैल जाती है। इसका मतलब है कि समाज में एलिनेशन बहुत बड़े स्केल पे हो गया है। तो ये अब सवाल उठता है कि इसके बारे में जो इतनी बड़ी समस्या है, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता, समस्या बहुत बड़ी है, जिस भी क्षेत्र को आप ले लें वहां पर कालेधन की अर्थव्यवस्था की वजह से समस्या है। तो करना क्या चाहिए? तो करना भी बहुत हमने किया है। पिछले 70 साल में हमने कम से कम 40 कमिटीज और कमीशंस अलग अलग तरह की बिठाई हैं, जिन्होंने हजारों सुझाव दिए हैं। 1948 में एक कमिटी थी, फिर कैलडोर कमिटी 55-56 में थी, संथन कमिटी 64 में थी, फिर आपकी वांचू कमिटी 1969-70 में थी, उसके बाद डागली कमिटी ऑन कंट्रोल्स था, पीसी अलेक्जेंडर कमिटी ऑन फॉरेन ट्रेड, मैं गिनाता चला जा सकता हूं। ये 40 एस्टिमेट्स कमिटी रही, बाकी और कमिटी रही, तरह तरह की कमिटी आई, हजारों सुझाव दिए, सैकड़ों उसमें से इंप्लीमेंट हुए। जैसे वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम हुआ, बेरर बॉन्ड स्कीम हुआ, हमारे टैक्स रेट कम हो गए। बताया गया कि 1971 में जब मिसेस गांधी फाइनेंस मिनिस्टर थी तो 97.5% हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट था, वो घट के अब 30% हो गया है। तो यानी टैक्स रेट कम हुआ, लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली गई। उस समय कैलडोर साहब ने 1955-56 में बताया था कि 4-5% जीडीपी का है, वांचू कमेटी ने बताया 7% है 1969-70 का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की कमेटी ने बताया 18-21% है 1980-81 में, उसके बाद मेरी स्टडी आई तो 1990 में वो 35% और 1995-96 में 40% और आज का मेरा अनुमान है 50% से ऊपर है। यानी कि टैक्स रेट कम किए लेकिन ब्लैक इकॉनमी प्रोलिफरेट करती रही। उसी तरह जितने भी कंट्रोल्स रेगुलेशंस थे बेतहाशा घटाए गए। 1991 के बाद आप देखिए MRTP खत्म हो गया, फेरा खत्म हो गया, रिजर्वेशंस बहुत कमी आ गई स्मॉल स्केल में, फिर आपके और जो लाइसेंसिंग है वो खत्म हो गई, तरह तरह से रेगुलेशंस खत्म हो गए, लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था चलती चली गई। और यानी यहां तक देखिए फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में भी इतने ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो गए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हवाला चल रहा है, आज भी हवाला तेज चल रहा है। तो कुल मिला के कंट्रोल भी कम कर दिए, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम भी लाए, और जो 1997 का वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम है उसको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन CAG की रिपोर्ट जब आई 1999 में तो उसने कहा पीपल हैव बिकम हैबिचुअल टैक्स ऑफेंडर्स, जिन्होंने पिछली 5 स्कीम में पैसा डिक्लेयर किया उन्होंने छठी स्कीम में किया, यानी कि वो बनाते ही चले जा रहे हैं और कहते हैं कि भाई अगली स्कीम आएगी तो फिर हम वाइट कर लेंगे। तो यानी कि सैकड़ों सुझाव इंप्लीमेंट हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया या लोगों ने कुछ नहीं किया। तो सवाल यह कि सिर्फ बदलाव जो टैक्स लॉज हैं या बदलाव सिर्फ जो हम और कर लें उससे नहीं होने वाला है, ये वजह क्या है? वजह यह है कि नैरोली या टेक्निकली इकोनॉमिक नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर ब्लैक इकॉनमी आज 50% जीडीपी का है तो इसका मतलब इलीगैलिटी यानी गैर कानूनी काम हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो रहा है। तो इट इज सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक। ब्लैक इकॉनमी एक सिस्टम के तरह से काम करता है, जैसे व्हाइट इकॉनमी एक सिस्टम के तरह से काम करती है, ब्लैक इकॉनमी भी एक सिस्टम है। मतलब अगर मुझे चोरी से माल अपनी फैक्ट्री से निकालना है तो मैं कैसे उस माल को निकालूंगा, कहां कहां मुझे पे ऑफ करना है, कैसे करना है, वो सिस्टम तैयार मैं रखूंगा। तो उसके चलते हुए रोज चोरी होगी, ना कि किसी दिन मैंने चोरी की किसी दिन नहीं की। तो यानी कि लॉ कब वायलेट कर सकते हैं सिस्टमैटिकली, जबकि जो लॉ के प्रिजर्वर्स हैं वो उसके हिस्सेदार हैं। तो इसमें मेरा मानना है कि ये जो ब्लैक इकॉनमी है इसके पीछे तिगड़ी है, जो ट्रायड है। ट्रायड क्या है? करप्ट पॉलिटिकल क्लास, करप्ट बिजनेसमैन और करप्ट एग्जीक्यूटिव। करप्ट एग्जीक्यूटिव में पुलिस भी आती है, ब्यूरोक्रेसी भी आती है, जुडिशियरी भी आती है। जुडिशियल करप्शन सबको पता है, बेतहाशा है, लेकिन बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे जो थ्रेट रहता है कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो ट्रायड है ये असली कारण है जिसकी वजह से सारी काले धन की अर्थव्यवस्था देश में चल रही है। तो हम जब टेक्निकल चीजें करते हैं, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम कर दिया, टैक्स रेट घटा दिया, ये सब, तो ये जो ट्रायड है उसको नहीं जो डैमेज कर रहे हैं।